नेहरू युवा केंद्र मंडी युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय भारत सरकार के सौजन्य से चल रहे 7 दिवसीय जीवन कौशल शिक्षा प्रशिक्षण का समापन किया गया। समारोह में DSP मंडी हितेश लखनपाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने युवाओं से बातचीत करते हुए कहा कि युवा देश का वो हिस्सा है जिसके कंधों पर आने वाले समय की बागडोर संभालनी है और युवाओं से व्यक्तित्व का विकास के विषय पर भी चर्चा करते हुए कहा कि युवाओं को जीवन में सफल होने के लिए व्यावहारिक ज्ञान, समय का प्रबंध और हमारी जीवन शैली कैसी है सब कुछ निर्धारित करना होगा, तभी हम जीवन में सफल होंगे। अगर हमारे पास आत्मविश्वास नहीं है तो हम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। और इसके साथ उन्होंने संस्कृति और संस्कारों के ऊपर भी बातचीत करते हुए कहा कि हमें अपने संस्कारों को नहीं भूलना चाहिए क्योंकि संस्कार हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण पूंजी है और हमें अपने संस्कारों को जीवन भर नहीं भूलना चाहिए। इस अवसर पर BD शर्मा अध्यक्ष त्रिसंगम पब्लिक स्कूल रिवालसर ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन के ऊपर प्रकाश डालते हुए कहा कि हमें ऐसी महान हस्तियों के पद चिन्हों पर चलना चाहिए। इस अवसर पर शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान मंडी से जिला शिक्षा प्रशिक्षण अधिकारी विजय शर्मा, नोडल अधिकारी अजय सेन, स्वयं सेवक पुष्पराज, योगेश हंसराज, सुरेश कुमार भी मौजूद थे। आज रिवालसर में नेहरू युवा केंद्र द्वारा आयोजित लाइफ स्किल के ऊपर एक सेमिनार का आयोजन किया गया जिसकी क्लोजिंग हमने की। यहाँ पे काफी बच्चे आए हैं और काफी उत्साह है उनमें। नेहरू युवा केंद्र के और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इस स्कीम के लिए इनको बधाई देता हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छे से यहाँ पे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और बच्चों को लाइफ स्किल के बारे में बताया। रिसोर्स पर्सन भी आए हैं, डाइट से आए हैं, प्रिंसिपल साहब हैं, इन सब ने बहुत अच्छा सा, बच्चों ने भी बहुत अच्छा समा बांधा और इससे हम यही विश्वास करते हैं कि आने वाले समय के अच्छे बच्चे जो हैं अच्छे नागरिक बन के उभरेंगे।